नमस्कार, मैं उत्तरश्रा यादव और स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास शो में, जिसमें हम आपको यूपी के 75 जिलों के 75 बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। तो रुक करते हैं खबरों का। झांसी में लड़की का अश्लील वीडियो बना, रुपए की डिमांड, शादी करने का भरोसा देकर रिलेशनशिप में रहा युवक, दूसरी जगह की शादी। पढ़ाई की उम्र में बमबाजी, गैंगवार, प्रयागराज में कॉन्वेंट स्टूडेंट ने बनाए इमोर्टल तांडव जैसे फिल्म, नाम वाले गैंग 22 दिन में पैदा कर दिए। घर लौट रही छात्रा के साथ युवक ने की छेड़खानी, चेहरे पर तेजाब फेंकने और चांद से मारने की दी धमकी, जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर के 25 लाख लोगों को लगेगी निःशुल्क बूस्टर डोज, 19 CHC सहित 20 केंद्रों पर लगाई जाएगी, मोबाइल पर मिलेगा मैसेज। मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत, विंध्याचल में छत पर बैठा था किशोर, मड़ियान में धान लगा रहा था किसान। चकमा देकर कानपुर हिंसा के आरोपी ने किया सरेंडर, अकील खिचड़ी सिस्टम को फेल कर पहुंचा जेल, पुलिस को दूसरे दिन हुई जानकारी। काशी में देखा कॉमनवेल्थ का उत्साह, मेडल के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना, तिरंगा लिए लोगों ने उतारी भारत माता की आरती। भदोही में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया शोक, 4 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की। अंबेडकर नगर में औषधि केंद्र पर नहीं है दवाएं, 300 में 100 दवाएं ही उपलब्ध, मरीज महंगी दवा लेने को मजबूर। चंदौली के सदर कोतवाली पर वसूली का आरोप, रक्षक जनमोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने किया ट्वीट, सीएम से हुई शिकायत। नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र ने स्कॉर्पियो से 3 कारों को मारी टक्कर, एक युवक को रौंदा। झांसी में पुलिस वालों के घर में चोरी, सूने घर से कैश और बर्तन चुरा ले गए बदमाश, कानपुर में तैनात है पुलिसकर्मी। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रेलर डिवाइडर से टकराई, ट्रेलर में फंसे ड्राइवर की हालत गंभीर, नींद आने से हुआ हादसा। फरुखाबाद में पांचाल घाट में गंगा की छलांग लगाते बच्चे, डेंजर पॉइंट, ये करीब बढ़ रही है गंगा, चंद कदम पर की दूरी पर है पुलिस चौकी। डीएम ने प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी व पीएचसी का किया निरीक्षण, डीएम ने बच्चों से की बातचीत, तो पूछे सवाल। जलौन में शिक्षा मित्र को विधायक ने बना दिया अपना प्रतिनिधि, स्कूल में पढ़ाने की जगह क्षेत्र में कर रहे प्रचार, नेताओं के साथ होती है बैठक। यूपी से मेघालय भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष गिरफ्तार, फॉर्म हाउस में सेक्स रैकेट चलाने का आरोप, हापुड़ में दिल्ली जाते समय दबोचा गया। 2 करोड़ ठगने वाले 4 ठगों पर लगा गैंगस्टर, वाराणसी में जीएसटी में छूट दिलाने का झांसा देकर की गई थी ठगी, बरामद हुए थे 1.87 करोड़ रुपए। ट्रेन चेकिंग में आरपीएफ ने पकड़ी अवैध शराब, अलीगढ़ जंक्शन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेसवे में हुई कार्रवाई, 21 बोतल अवैध शराब पकड़ी। रुड़की में यूपी हरियाणा के कांवड़ियों में संघर्ष, मुजफ्फरनगर के फौजी की मौत, डिवाइडर से टकराया, 4 की गई जान। बुलेट नहीं मिली तो घर छोड़कर चला गया छात्र, गोरखपुर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर 2 घंटे में खोज निकाला। प्रयागराज में कौन स्कूल के 11 छात्र गिरफ्तार, गैंग के सदस्य, छात्र दबदबा कायम करने के लिए करते थे बमबाजी और फायरिंग की वारदात। आजमगढ़ जेल में प्रशासन ने मारा छापा, 12 मोबाइल फोन और 97 गांजे की पुड़िया बरामद। महिला को बंधक बनाकर जेवरात और नकदी लूटी, आगरा में गमछा बांधकर घर में घुसे बदमाश। रामपुर में युवती समेत 3 पर तलवार से हमला, चोरी करने की शिकायत पर नाराज थे दबंग, घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस के रोकने पर कांवड़ियों ने किया प्रदर्शन, जमकर हुई नोकझोंक, समझाकर मामला कराया गया शांत। अलीगढ़ में हिंदू लड़कियों की तस्करी का गैंग पकड़ा, गैंग का मुस्लिम सरगना हिंदू बनकर झारखंड से करता था सप्लाई, 3 लड़कियां बरामद। उन्नाव में स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीज के साथ किया भद्रता, इलाज कराने पहुंचा था बुजुर्ग, सीएमओ बोले मामला सही हुआ तो होगी कार्रवाई। सिगरेट न देने पर युवक ने फूंक दी बाइक, पहले दुकान पर मारी टक्कर, फिर टंकी से पेट्रोल निकाल कर लगाई आग।
कासगंज सड़क हादसे में एक युवक की मौत, कैंटर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, दूसरा गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में शादी समारोह के दौरान बार बालाओं के डांस में तमंचे पर डिस्को, युवकों ने शादी समारोह के बाद दी धमकी। अमेठी में एसपी इलामारन ने सुरक्षा को लेकर जांबू कस्बे में किया फ्लैग मार्च, एसपी ने कस्बे के व्यापारियों से की अपील, रोड पर न करें अतिक्रमण। रामनगरी अयोध्या में सावन झूला मेले में श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त, घटना में ट्रॉली में सवार 6 श्रद्धालु घायल, एक की मौत। आजमगढ़ जेल में डीएमएसपी के नेतृत्व में फोर्स का छापा, बारह मोबाइल फोन, चार्जर, नशीले पदार्थ बरामद। अलीगढ़ में शादी के नाम पर झारखंड से लड़कियों की तस्करी गिरफ्तार, पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। बलिया में जिलाधिकारी ने कटान रोधी कार्यों का किया निरीक्षण दौरा, इस दौरान डीएम ने नदी के किनारे बसे लोगों से मिली। हरदोई में नाबालिग किशोरी ने युवक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, कोतवाली में तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। अलीगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फंड कटौती को लेकर एएमयू में छात्रों ने कैंपस में किया विरोध प्रदर्शन, सरकार पर लगाया आरोप। बलिया में अवैध रूप से चल रहे हॉस्पिटलों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सूर्यपुरा में चल रहे अवैध रूप से सूर्य हॉस्पिटल को किया सीज। कानपुर शहर में फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 52, कोविड के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। लखीमपुर खीरी में पीएनबी बैंक के कर्मचारियों के द्वारा किया गया लाखों का फ्रॉड, मामले में बैंक मैनेजर ने झाड़ा अपना पल्ला। अलीगढ़ के दिल्ली गेट में स्कॉर्पियो कार न मिलने पर तोड़ी शादी, लड़की पक्ष ने बारातियों को बंधक बनाकर किया पुलिस के हवाले। मैनपुरी में 24 घंटे के अंदर दूसरी मुठभेड़, मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। सरेंडर करो वरना कुर्की शुरू होगी, मुख्तार अंसारी की बीवी बेटे साले को यूपी पुलिस ने घोषित किए भगोड़ा, एसपी ने दी चेतावनी। अलीगढ़ में शौच चेक करने जंगल में गई महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास, महिला ने पूरे मामले की तहरीर कोतवाली में लिखित में दी। प्रयागराज में विद्यालय को नहीं मिला भवन, किराए के कमरे में संचालित हो रहे विद्यालय, अध्यापक अपनी तनख्वाह से देते हैं किराया। रायबरेली में नया नाला खुदवा कर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, उप जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच का दिया आदेश। संभल में घरेलू विवाद के चलते पति ने किया आत्महत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अयोध्या में मासूम छात्र को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंदा, घटना स्थल पर हुई छात्र की दर्दनाक मौत। संभल में गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मृतिका की मौत ने छोड़े अपने पीछे कई सवालिया निशान, मौत से पहले मृतिका को किया था महसूस। बुलंदशहर में चोरी की शक में मासूम बच्चे को बेरहमी से पिटाई, गांव की एक महिला पर बच्चे को बेरहमी से पीटने का आरोप, घटना की जांच में जुटी पुलिस। फरुखाबाद रोडवेज बस को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में बस के ड्राइवर समेत लगभग आधा दर्जन लोग घायल, घटनास्थल से ट्रक लेकर हुआ फरार। गाजियाबाद में आईजी प्रवीण कुमार ने किया दुधेश्वरनाथ मंदिर का निरीक्षण, इस दौरान आईजी ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। कोंडा में अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, लेखपाल हुए निलंबित, उप जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेकर किया निलंबित। कानपुर नगर निगम के भ्रष्टाचार की जूही, पुल ने खोली पोल, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जलभराव में नहीं मिली निजात। कुशीनगर में सऊदी अरब से करोड़ों 85 लाख का गबन कर फरार आरोपी रफीक शाह हुआ गिरफ्तार, रिया दूतवास से आए पत्र के बाद हुई कार्रवाई। कोटा में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में वांछित गैंगस्टर हुआ गिरफ्तार, आरोपी से तमंचा व 2 कारतूस बरामद। लखीमपुर खीरी में खनन माफियाओं का हौसला बुलंद, झील खोदकर हजारों ट्रॉली पीली सफेद बालू निकाल चुके हैं खनन माफिया। शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि, लखनऊ विश्वविद्यालय में एनएएसी रेटिंग हुई बेहतरीन, विश्वविद्यालय को एनएएसी में A++ की रेटिंग। गोंडा में स्टार हॉस्पिटल को न्यायालय के आदेश पर किया गया सील, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने लगाया 6 माह के लिए प्रैक्टिस का रोक।
ग्रेटर नोएडा में जिला न्यायालय के अधिवक्ता ने जज के खिलाफ की नारेबाजी। अधिवक्ताओं का आरोप, फैमिली कोर्ट में सुनवाई समय पर नहीं हो रहा। श्रावस्ती में 5 उपनिरीक्षकों का हुआ प्रमोशन, उपनिरीक्षकों से निरीक्षक बने सुधीर सिंह। एसपी ने पद चिन्ह लगाकर दी कर्मियों को बधाई। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में गड्ढे में मिला मासूम बच्चे का शव, कल देर शाम खेलते समय गायब हुआ था बच्चा। अयोध्या में नियंत्रित होंडा सिटी कार ने स्कूल के बच्चे से भरी ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में बच्चे और ड्राइवर मामूली घायल। कुर्सियों पर चढ़कर टीचर के स्कूल पहुंचने का वीडियो वायरल, मथुरा में बारिश से स्कूल बना था तालाब, टीचर ने कुर्सियों से पुल बनवाकर एंट्री ली। नोएडा के चर्चित मेट्रो अस्पताल समूह के 20 ठिकानों पर आईटी रेड, नोएडा गाजियाबाद में सुबह से टीमें जुटी। आगरा में अंधेरे में गर्भवती को चढ़ाई ड्रिप, नर्सिंग स्टाफ नहीं होने पर स्वीपर ने बांधी पट्टी, सीएमओ ने बिठाई जांच। जिला स्वास्थ्य समिति और टास्क फोर्स की बैठक, डीएम ने गोल्डन कार्ड कम बनने और उपकेंद्र पर महिलाओं की डिलीवरी में कमी पर जताई नाराजगी। ईडे के खिलाफ कांग्रेसियों का सत्याग्रह, सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फिर किया विरोध प्रदर्शन। झांसी में पेड़ से लटकता मिला युवक, फतेहपुर से पुणे के लिए निकला था, मोबाइल से हुई शिनाख्त। इटावा में सराफा की दुकान में चोरी, फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड ने सबूत जुटाए, 5 किलो चांदी के जेवर और 7 लाख के जेवर चोर ले गए। अभी मैं जिंदा हूं लिखी तख्तियां पहनकर पहुंचे बुजुर्ग, महोबा में डीएम से लगाई गुहार, 1.5 साल पहले 6 वृद्धों को सचिव ने मृत दर्शाकर रोकी थी पेंशन। सुल्तानपुर में भतीजे ने जिंदा चाचा को दिखाया मृत, 27 लाख हड़पने के लिए रचा षड्यंत्र, जीवित प्रमाण पत्र देने पर पुलिस ने प्रधान पर लिखा एफआईआर। 13 सेकंड में मौत का वीडियो वायरल, मेरठ में लिसाड़ी गेट की घटना, मिनी ट्रक से कुचलकर बाइक सवार की मौत। लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहा चोरियों का सिलसिला, चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाकर नकदी समेत जेवर किए पार, बक्से को खेती में फेंका। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ